गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स तो आज हम पढ़ेंगे क्या हमारा ये रिकवरिंग डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स हम पढ़े थे फाइल और फोल्डर को डिलीट करने से हमारे कंप्यूटर में वो कहाँ जाके स्टोर होता है रिसाइकल बिन में तो वहाँ से हम उसको रिस्टोर कैसे करेंगे मैं बताई थी अगर डिलीट हो गया बाय मिस्टेकली तो उसको हम रिस्टोर भी कर सकते हैं तो वो स्टेप क्या क्या है देखो फॉलो द गिवन स्टेप्स टू रिकवर डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स फ्रॉम रिसाइकल बिन स्टेप वन ओपन रिसाइकिल बिन फोल्डर बाय डबल क्लिकिंग द माउस ऑन इट्स आइकन कोई भी फोल्डर या आइकॉन को ओपन करना हो तो हम उस पर क्या करते हैं डबल क्लिक करते हैं तो स्टेप वन रिसाइकल बिन पे ऊपर माउस पॉइंटर जाके रखना है और वहाँ पर डबल क्लिक करना है और रिसाइकिल बिन ओपन हो जाएगा देखो स्टेप वन यहाँ पे दिया है स्टेप टू नाउ राइट क्लिक द माउस ऑन द नेम ऑफ द फाइल और फोल्डर दैट इज टू बी रिकवर जो भी फाइल और फोल्डर को आपको रिकवर करना है रिस्टोर करना है जो डिलीट हुआ होगा उसके ऊपर माउस पॉइंटर लेके उसके ऊपर पहले क्या करना है राइट right क्लिक करना है ठीक है राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे राइट right क्लिक करा करा गया है कि नहीं राइट right क्लिक करा गया है स्टेप थ्री देखो सिलेक्ट रिस्टोर ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू राइट क्लिक करने के बाद हमारे यहाँ पे एक ये ऐसा मेन्यू आता है यहाँ पे ऊपर में दिया है देखो रिस्टोर का ऑप्शन तो रिस्टोर के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद हमारा ये फाइल जो डिलीट हो गया था उसे हम रिस्टोर कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है देखो विंडो कलर द कलर ऑफ योर विंडोज़ कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस इफ़ यू वांट टू चेंज योर विंडोज़ कलर फॉलो द गिन स्टेप हमारा जो विंडो का कलर होता है तो उसको हम चेंज भी कर सकते हैं अपने मन के हिसाब से आपको जो भी कलर पसंद हो वो उस विंडो का कलर आप वैसे ही रख सकते हो ठीक है तो स्टेप ऑन क्या करेंगे राइट क्लिक एनी वेयर ऑन योर विंडोज डेस्कटॉप एंड क्लिक ऑन पर्सनलाइज ऑप्शन हमारा जो डेस्कटॉप स्क्रीन होता है उसके ऊपर हम कहीं पर भी ब्लैंक एरिया में राइट right क्लिक करने के बाद क्या होता है यहाँ पे ऐसा वाला मेन्यू आएगा ठीक है मेन्यू आने के बाद यहाँ पे पर्सनलाइज ऑप्शन है पर्सनलाइज ऑप्शन में हम पहले क्लिक करेंगे स्टेप टू क्लिक ऑन कलर ऑप्शन पर्सनलाइज ऑप्शन के बाद ये वाला स्क्रीन आएगा ये वाला स्क्रीन में कॉलर ऑप्शन है देखो नीचे स्टेप टू ठीक है स्टेप थ्री सिलेक्ट योर डिजायर्ड कलर स्टेप थ्री में यहाँ पे बहुत सारे कलर का ऑप्शन हमको दिखाएगा आपको जो भी कलर पसंद हो वहाँ पे आपको क्लिक करना है ठीक है यहाँ पे जैसे ये क्लिक करा स्टेप थ्री स्टेप फोर क्लिक ऑन सेव चेंजेस क्लिक ऑन सेव चेंजेस बटन द कलर ऑफ योर विंडो विल बी चेंज्ड तो यहाँ पे स्टेप थ्री में हमको जो भी कलर पसंद है वहाँ पे क्लिक करने के बाद स्टेप फोर में हमको क्या करना है यहाँ पे नीचे है देखो सेव चेंजेस सेव चेंजेस में क्लिक करने के बाद हमारा जो विंडो का कलर है वो चेंज हो जाएगा ठीक है आज के लिए बस इतना ही पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में हम ये साउंड रिकॉर्डर के बारे में पढ़ेंगे और वॉइस रिकॉर्डिंग के बारे में पढ़ेंगे